अवली मैया मंदिर के रास्ते पर लोहा सरिया से भरा हुआ एक ट्रैक्टर अचानक पलटी खा गया, जिससे सियाराम बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालु परेशान हो गए। रोड की संकीर्णता और भटियान मार्ग पर पुलिया छोटी होने के कारण ड्राइवर का स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर हो गया और यह हादसा हुआ है। ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया, जिससे ट्रैफिक भी जाम हो गया। बताया जा रहा है कि यह बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। ग्रामवासियों ने सरकार से मांग की है कि रोड का चौड़ीकरण कर दिया जाए और सियाराम बाबा के मार्ग पर पुलिया का बड़े स्वरूप में निर्माण हो सके। काफी भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीपल गोंद से मोतीलाल कर्मा के साथ संजय जोशी की रिपोर्ट। रोड पर सियाराम बाबा के रास्ते पर जाने वाले लोग बड़े रुक गए। एक बहुत बड़ा हादसा टला है। हमारी ट्राली पूरे लोहे से भरी हुई थी, वह रोड के मोड़ पर पूरी तरह से पलट गई और काफ़ी लोग उसमें बच गए। ये संकीर्ण रोड है, ये रोड यदि चौड़ीकरण हो जाता है और पुलिया यहाँ की चौड़ी हो जाती है तो रास्ता बहुत खराब हो जाएगा। बाबा के जाने आने वाले लोग बहुत सारे होते हैं और कितनी गाड़ियाँ जाती हैं, सबको इस रोड से बड़ा व्यवधान होता है। यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि रोड का चौड़ीकरण हो और पुलिया भी बड़ी बने। हमारे दीपक भाई यहाँ तो हमारे पास खड़े हैं, कैसा रोड बनना चाहिए? चौड़ीकरण होना चाहिए, सरकार से मांग कर रहे हैं। ये सियाराम बाबा के यहाँ बहुत लोग जाते हैं। क्या नाम है आपका? यहीं पर रहते हैं आप? आज बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। ये रोड पर संकीर्ण रोड होने के कारण यहाँ पर ट्रैक्टर पूरी तरह से पलटी खा गया और काफ़ी लोग भागने लगे और लोहे से भरा हुआ ट्रैक्टर पूरी तरह से नीचे गिर गया। काफ़ी लोग इससे बचे हैं। सरकार से मांग है कि रोड का चौड़ीकरण हो और पुलिया का निर्माण हो। पुलिया भी संकीर्ण है, यहाँ की पुलिया निर्माण होने से ये रास्ता सियाराम बाबा के भक्त लोगों का ज़्यादा चलता रहता है। आज भी देखिए कितना ट्रैफिक है, ये सब ट्रैफिक जाम हो गया है, ये प्रतिदिन चलता रहता है। तो आम लोगों की मांग है, जनता की मांग है कि यहाँ पर रोड बड़ा हो और संकीर्ण पुलिया को भी बड़ी पुलिया कर दी जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।